हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं आपका दोस्त अरुण आज फिर हाजिर हूँ आपके अपने चैनल पर अरुण गाजियाबादी टेक ब्लॉग पर। तो जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पर आपके लिए नए नए बिजनेस आइडियाज़ लेकर आता रहता हूँ। कभी मैं आपको ओन साइट दिखाता हूँ बिजनेस आइडियाज़, कभी मैं आपको जो है बातों के थ्रू पूरा प्लान समझाता हूँ। तो इस तरीके से तो दोस्तों काफ़ी दोस्तों की डिमांड पर आज मैं जो आपको बिजनेस प्लान समझाने जा रहा हूँ, ये एक बहुत छोटा सा बिजनेस है, लेकिन अगर आप इस बिज़नेस को प्रॉपर और सही तरीके से अगर इस बिज़नेस को रन करते हैं तो ये बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। और आज की डेट में अगर ये बहुत छोटे स्तर से शुरू करके आप काफ़ी अच्छे लेवल तक इस बिज़नेस से कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज मैं जो आपको बिज़नेस आइडिया बताने वाला हूँ, ये बिज़नेस आइडिया फूड आइटम से रिलेटेड है। तो जैसे कि आप सब आज लोग सब समझते हैं कि आजकल सबसे ज़्यादा जो फास्ट फूड की दुकानें ही आपको मार्केट में मिलेंगी, कहीं भी आप निकल जाएँ तो आपको कुछ भी ना मिले लेकिन फास्ट फूड की शॉप ज़रूर मिल जाएंगी। तो आज जो दोस्तों हमारा जो बिज़नेस आइडिया है वो फास्ट फूड से रिलेटेड ही बिज़नेस आइडिया है। तो दोस्तों आपने फास्ट फूड बहुत तरीके खाए होंगे कि जैसे आपका फ्रेंच फ्राई, मंचूरियन और सबसे ज़्यादा चाउमीन। तो बट इसके साथ आप देख रहे हैं पिछले काफ़ी टाइम से एक जो सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला फास्ट फूड है वो है दोस्तों मोमोस। मोमोस का नाम सुनते ही आपको मुँह शायद पानी आ गया होगा। तो आज की डेट में दोस्तों अगर देखा जाए तो फास्ट फूड में सबसे ज़्यादा जो आइटम खाई जाती है वो होती है दोस्तों मोमोस। मोमोस आपने देखा होगा बहुत छोटा छोटा होता है, मैदा का बना होता है। और मोमोस में पहले कुछ ही वैरायटी आती थी, जैसे वेज में और आपका पनीर में या सोया में। बट दोस्तों आज की डेट में मोमोस के अंदर काफ़ी सारा एक्सपेरिमेंट हो चुका है और उसके अंदर बहुत तरीके से मोमोस बनना शुरू हो गया है। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, आज की डेट में मोमोस की 50 से ज़्यादा तरीके की रेसिपी बनाई जाती हैं। तो मोमोज़ के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। बेसिकली दोस्तों ये एक नेपाल का फास्ट फूड है जो कि हमारे यहाँ इंडिया में भी काफ़ी फेमस हो गया है। और आज के डेट में सबसे ज़्यादा ये जो है जो चाइनीज़ फास्ट फूड है इसमें मोमोज़ की ही डिमांड रहती है। तो आजकल आप देखेंगे कि जगह जगह ये आपको हर गली में, नुक्कड़ में, हर जगह ये आपको मिल जाएगा। और ये दोस्तों कोई बहुत ज़्यादा पैसा लगाकर करने वाला बिजनेस नहीं है। आप बहुत छोटे से लेवल से शुरू करके और आप इस बिजनेस को बहुत बड़े लेवल तक पहुंचा सकते हैं। आपने वाओ मोमोज़ का नाम सुना होगा, आपने दार्जिलिंग मोमोज़ का नाम सुना होगा, आपने नैनीताल मोमोज़ का नाम सुना होगा। तो ये ब्रांड इस तरीके के हैं दोस्तों कि जो आज की डेट में जिनकी टर्नओवर करोड़ों में है, और ये करोड़ों की शुरुआत इन्होंने बहुत छोटे लेवल से की थी और आज के डेट में ये बहुत बड़े ब्रांड बन चुके हैं। और ये सब मोमोज़ के ही ब्रांड हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर बिज़नेस हम कोई छोटा बिज़नेस करते हैं तो वो बड़ा नहीं हो सकता। सिर्फ बिज़नेस का टैक्ट है कि हम उस बिज़नेस को किस तरीके से ग्रो करा सकते हैं, उस बिज़नेस को किस तरीके से हम लोग बड़ा कर सकते हैं। तो ये हमारे वर्किंग कल्चर के ऊपर डिपेंड करता है उस बिज़नेस को किस तरीके से करें। तो आज मैं जो आपको बताऊंगा मोमोज़ की इन्हीं सब क्वालिटीज़ के बारे में बताऊंगा कि आप मोमोज़ के बिज़नेस को कैसे स्टार्ट करके छोटे से बड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आजकल आपने देखा होगा कि मार्केट में जनरली क्या होता है कि सिर्फ मैदा का ही मोमोज़ आपको मिलेगा। आप कहीं भी शॉप पर जाएंगे तो आपको मैदा का ही मोमोज़ मिलता है। तो इसमें दोस्तों हम सबसे ज़्यादा क्या है कि हम इसको वीट के अंदर बना सकते हैं या हम इसको मल्टीग्रेन जो अपना फ्लोर है उसके अंदर रेडी करके मार्केट में सर्व कर सकते हैं। तो क्योंकि आपने देखा होगा कि जनरली क्या होता है कि मैदा बॉडी को बहुत ज़्यादा मैदा खाना बॉडी के लिए नुकसानदायक होता है। तो बट इस एक्सपेरिमेंट को हम वीट के अंदर कर सकते हैं। हम वीट के मोमोज़ बनाकर वो
सप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ में हम एक बहुत ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि जो मल्टीग्रेन आटा आता है, मल्टीग्रेन आटे में के मोमोज बनाकर उसको मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं कि क्योंकि वो बहुत हेल्दी होता है, तो वो किसी तरीके से नुकसान भी नहीं करता है, प्लस साथ में जब सब्जियों का प्रोटीन मिलता है तो वो शरीर के लिए काफ़ी हेल्दी होता है। तो इस तरीके से आप चाहें तो कई तरीके से एक्सपेरिमेंट करके मोमोज के काम को काफ़ी आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब इसमें दोस्तों कई तरीके के आप एक्सपेरिमेंट अदर्स भी कर सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि आप आजकल मार्केट में ज़्यादा चिकन मोमोज चल रहा है, चिकन मोमोज के अलावा कुरकुरे मोमोज है, फ्रेंच फ्राई मोमोज हैं, तो कई तरीके के मोमोज आजकल मार्केट में आ गए हैं और ये सब एक्सपेरिमेंट चलता रहेगा, आगे भी चलता रहेगा। और दोस्तों मोमो जो इस तरीके का एक फास्ट फूड बन गया है कि मोमोज हर आदमी आजकल मोमोज को खाना पसंद करता है, छोटा है बड़ा है कोई भी है। मैं खुद मोमोज खाता हूँ, मार्केट में होता हूँ तो मैं खुद मोमोज खाता हूँ। तो दोस्तों ये एक ऐसा बिजनेस है कि हम इसको बहुत छोटे लेवल से शुरू कर सकते हैं और बिजनेस को बहुत बड़े और हाई लेवल तक हम लोग पहुँचा सकते हैं। और आप दोस्तों बिलीव नहीं करेंगे, इस बिज़नेस को मात्र आप 500 रुपये शुरू कर सकते हैं। 500 रुपये शुरू करके इस बिज़नेस को आप अनलिमिटेड स्काई बोलते हैं ना कि अनलिमिटेड स्काई, तो आप इसको उस लेवल तक लेकर जा सकते हैं। तो देर किस बात की दोस्तों, अगर आप कुछ बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो आप इस बिज़नेस को शुरू करिए। और इस बिज़नेस में जनरली क्या होता है कि सपोज कीजिए, मैं छोटा सा आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि सपोज़ कीजिए आपने 500 से लगाया, 500 में मात्र आप अगर 1 किलो मैदा से भी शुरू करते हैं तो 1 किलो मैदा की आपकी जो रेट होता है वो हार्डली 40 रुपये आता है। और दोस्तों उसके साथ में अगर आप सब्जी वगैरह भी लगा लें, कैबेज, कैरेट, ये सब अगर सब कुछ आप लगा लें तो एटलीस्ट 100 रुपये का आप वो सब चीज़ें लगा लीजिए, आपका 140 रुपये हो गया। आप इसके अंदर बाकी का कुछ आपके मसाले वगैरह लगा लीजिए, आप हार्डली इसको 200 रुपये कर दीजिए, तो 200 रुपये में ये आपका हो गया। इसके साथ आप लेबर या एक्स्ट्रा खर्चे आप 100 रुपये और उसके एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए, वो भी चलो आपने कर दिया। अब दोस्तों इसके बाद में 300 रुपये आपका एक्सपेंस आया, 300 रुपये एक्सपेंस करने के बाद में आप ये मान के चलिए कि जो आपके 1 किलो मैदा में अगर आप सही तरीके से बनाते हैं, एक नॉर्मल साइज़ का मोमोज बनाते तो एटलीस्ट आप 100 मोमोज रेडी कर सकते हैं 1 किलो मैदा के अंदर। उसमें 1 किलो मैदा में अगर आप अराउंड 5 ग्राम के आसपास का भी लेकर चलते हैं तो अराउंड आप ये मान के चलिए कि 5 ग्राम 10 ग्राम तो अराउंड छोटा बड़ा मिला के आप 100 मोमोज ईजिली रेडी कर सकते हैं। और 100 मोमोज दोस्तों आजकल मार्केट में जो रेट चल रहा है मोमोज का, 40 रुपये के 10, 50 रुपये के 10, 60 रुपये के 10, इस तरीके से मोमो जा रहे हैं। तो सपोज कीजिए आप अगर 40 रुपये का भी रेट पकड़ लेते हैं दोस्तों, तो 40 रुपये के रेट में आप ये मान के चलिए कि आप एटलीस्ट 400 रुपये के आपके मोमोज निकल रहे हैं। कॉस्टिंग कितनी आई, कॉस्टिंग आई आपकी 300 रुपये। एटलीस्ट आप 100 रुपये, 300 रुपये लगाकर आप एटलीस्ट 100 रुपये कमा रहे हैं। जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल है दोस्तों। इसके साथ में अगर आप इसको, कि जनरली 100-200-400 मोमोज कोई बड़ी बात नहीं होती है मार्केट में, एक शॉप पर आप एक छोटा सा अगर एक टेबल भी लेकर बैठते तो एटलीस्ट आप 1500-2000 मोमोज ईजिली डेली सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप देखिए कि भाई अगर आप आराम से इस बिज़नेस में 1000-2000 लगाकर 400-500-700 रुपये तक डेली ईजिली कमा सकते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा कोई लेंथी प्रोसेस नहीं, इसको कोई भी थोड़ा सा देखकर इसको आराम से बनाना सीख सकता है, ईजिली इसको बना सकता है। इसमें ज़्यादा आपको कोई लेबर की ज़रूरत भी नहीं है, आप चाहें तो आप खुद या आपके कोई फैमिली मेम्बर को लगाकर आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं ईजिली तरीके से। और इसमें आपको सेल की दोस्तों कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसमें सेल ईजिली अगर आप बनाते हैं तो ये प्रोडक्ट ऐसा है कि आपका हाथों हाथ सेल हो जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको रखने की ज़रूरत नहीं है इस प्रोडक्ट को। तो दोस्तों मैं तो आपसे ये कहूँगा कि अगर आप किसी बिज़नेस की तलाश में हैं और ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते दोस्तों, आप इस बिज़नेस को कर लीजिए, क्योंकि मोमोज का बिज़नेस की मार्केट इतनी बड़ी है और ये आगे धीरे धीरे मार्केट फैलती ही जा रही है। तो आप कभी भी इस बिज़नेस को कहीं पर भी किसी भी लेवल पे शुरू कर सकते हैं। आप शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, कहीं पर रहते हैं, ये बिज़नेस आपका हर जगह चलेगा, इसमें कहीं पे कोई भी आपका लॉस नहीं है दोस्तों। तो अब देर किस बात की है, मैंने आपको पूरा सब कुछ समझा दिया है कि बिज़नेस आपको किस तरीके से करना है, कि ये बिज़नेस आपको कहाँ से कहाँ ले जा सकता है, आपके हर सपने पूरे कर सकता है।
दोस्तों सुनने में नाम बहुत छोटा सा लगता है ये तो, बट ये कि अगर आप इस बिजनेस को पूरे प्रॉपर तरीके से करें, ये क्या किसी बिजनेस को प्रॉपर आप तरीके से करें तो बिजनेस आपकी ग्रोथ कहाँ से कहाँ ले जा सकता है, ये दोस्तों इसके एग्जांपल आप खुद चेक कर सकते हैं। तो छोटा सा एग्जांपल मैं आपको नैनीताल मोमोज़ का ही देता हूँ। नैनीताल मोमोज़ के जो मालिक हैं मिस्टर रंजीत, वो लखनऊ में छोटा सा ठेला लगाकर काम करते थे और उनके पास एक टाइम पे खाने तक के पैसे नहीं थे, और आज उनकी जो टर्नओवर है वेट लॉस उनके जो आउटलेट्स हैं तकरीबन 14-15 सिटीज़ में हैं, और दोस्तों उनकी जो टर्नओवर है करोड़ों में जाती है। तो काम को सिर्फ करने का तरीका है कि काम को किस तरीके से किया जाए, तो सिर्फ आपके वर्क कल्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप काम को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों मोमोज़ का एक ऐसा काम है कि इसमें बहुत ज़्यादा आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप बिना इन्वेस्टमेंट के एक बहुत छोटे से लेवल से, एक छोटी सी मेस से स्टार्ट करके, आपको कोई शॉप नहीं लेनी है, आपका कोई ये मान के चले कि किसी कोई लेबर का बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं है या कोई आपका बहुत ज़्यादा अदर एक्सपेंस नहीं है, और आपका बिजनेस जस्ट स्टार्ट सिर्फ 500 रुपये से आपका बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। आप अगर बाई चांस नहीं भी बनाना चाहते हैं तो आपके आसपास शहर में इस तरीके के प्रोडक्ट के सप्लाई करने वाले आपको मिल जाएंगे, आप जस्ट उनसे प्रोडक्ट बाई कीजिए, फर्स्ट प्रोडक्ट को टेस्ट करिए, अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती है तो उनसे आप प्रोडक्ट बाई करिए, उस प्रोडक्ट को आप सेल करिए। सिर्फ सबसे ज़्यादा क्या है कि इसमें क्वालिटी में ध्यान दीजिए, और इसमें इसके साथ क्या है कि जो इसके साथ जो इसकी चटनी होती है, मेंस का स्वाद चटनी का होता है, अगर आप चटनी को बेटर बना लेंगे तो दोस्तों आप सपोज कीजिए मोमोज के बिजनेस में एकदम अव्वल हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपसे बस यही कहूँगा कि अब सोचिए मत, शुरू कर दीजिए, क्योंकि तो सोचने रहने से कभी भी आपका कोई बिजनेस नहीं चल सकता जब तक उस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो सोचने के बजाय सिर्फ एग्जीक्यूट करिए और दोस्तों आगे बढ़िए। बाकी जैसा आप शुरू करेंगे, जब आप मार्केट में जाएंगे तो मार्केट बाकी चीज़ें मार्केट खुद आपको सिखाएगा, सब कुछ यूट्यूब नहीं सिखा सकता है, कुछ चीज़ें आपको प्रैक्टिकल सीखनी पड़ेंगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि दोस्तों मैं इन फ्यूचर इस तरीके की वीडियोस आपके लेकर आता रहूं और इस तरीके के आइडियाज़ मैं आपको देता रहूं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।